सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो वेलकम बैक दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा सवाल जो बार बार लोग क्वेरी करके पूछते हैं कि कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट यानी CSD में आइटम कैसे सस्ता मिलता है, इसका दाम सस्ता क्यों होता है, कैसे होता है, यह हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, रिक्वेस्ट है चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको कोई और क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई और डाउट है आपके मन में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना। रही बात अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब इंडेक्स नाम का नहीं ज्वाइन करा है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उससे आपको कोई भी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन निकलेगी उसके बारे में हम अपडेट कर देंगे तो आपको उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा जॉब इंडेक्स नाम का टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पे हम सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है जॉब के रिगार्डिंग वह सबसे पहले इधर डाल देते हैं। तो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ जाओगे तो आपको इधर उधर वीडियोज़ या इधर उधर न्यूज़ या कोई भी नोटिफिकेशन देखने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट पे आपको सारे नोटिफिकेशंस एक जगह पे मिल जाएंगे जो भी आपको रेलेवेंट लगेंगे आपके रिगार्डिंग। तो आप इस चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप CSD में जाते हैं या आपके कोई रिलेटिव्स CSD से सामान खरीद कर लाते हैं, आप यह फाइंड आउट करते हैं कि जो यहाँ पर मिलने वाला सामान है यह बाहर मिलने वाले रिटेल प्राइस के सामान से इसका दाम करीबन 60%, कहीं कहीं पे 30-40% कम होता है। 60% तो नहीं, 40% तक, 35% तक आप कम देखेंगे इसका दाम। यानी जो चीज़ आपको बाहर 50 रुपये की मिल रही है वह CSD में हो सकता है आपको 38-40 रुपीज़ की मिले। तो ऐसा कैसे होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जब भी CSD यानी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जिन भी मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है, चाहे वो हेयर ऑयल लेना चाहता है, चाहे वो टूथपेस्ट लेना चाहता है, या बिस्किट का कोई ब्रांड है, या कोई अच्छी घड़ी है, सूटकेस है, जब भी ऐसा कोई आइटम CSD कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट आपका मैन्युफैक्चरर से लेता है तो यह उन मैन्युफैक्चरर से यह सारा सामान बल्क में लेता है। बल्क में लेने के कारण और डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेने के कारण यह एक कम दाम का चीज़ हो जाता है, यानी एक होलसेल रेट हो जाता है जिसमें कोई मिडलमैन नहीं होता, कोई होलसेल डीलर नहीं होता, कोई रिटेल का स्टॉक लिस्ट वाला टेंडर का बंदा नहीं होता, यानी कोई ट्रेडर बीच में नहीं होता। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट इतना फिक्स्ड क्वांटिटी का सामान लेता है। और फिर CSD, सपोज़ अगर CSD ने सूटकेस का ऑर्डर दे रखा है पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर VIP को, तो VIP से अगर यह 10,000 सूटकेस लेता है CSD, तो यह अपने अपने अलग CSD के स्टोर्स में, CSD के ब्रांचेस में यह VIP के सूटकेस को भेज देता है, जहां पर इनको कोई मिडलमैन या कोई ट्रेडर का काम बीच में नहीं आता और यह इनका दाम बचा देता है। फिर रही बात इस पे, जो भी आइटम CSD में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट लेता है मैन्युफैक्चरर से, उसमें 50% टैक्स एग्जेम्पशन होता है, यानी GST लगने वाला जो टैक्स है वह डिफेंस पर्सनल के लिए गवर्नमेंट ने 50% एग्जेम्प्ट कर रखा है। यानी अगर किसी केस में आप GST 18% देते हो तो वह यहां पर सिर्फ 9% लगेगा, अगर कहीं 9% है तो वह, अगर कहीं 5% है तो वह 2.5% लगेगा। तो ऐसे टैक्स एग्जेम्पशन भी CSD के प्रोडक्ट्स में होता है। तो यह दो चीज़ मिलने के कारण आपका जो प्रोडक्ट बाहर फाइनली CSD में आता है वह रिलेटिवली मार्केट से थोड़ा सस्ता हो जाता है। हालांकि कुछ अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो आजकल आ रहे हैं वह कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के रेट से भी सस्ते आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाते हैं, ई मार्केट प्लेस में मिल जाते हैं, या किसी
मार्ट में मिल जाते हैं, डीमार्ट हो, जहाँ जहाँ होलसेल प्रोडक्ट आता है वहाँ पर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट देखोगे जो CSD के रेट से भी अच्छा होगा। तो यह दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं आजकल। लेकिन जो क्वेरी इस वीडियो को, जिस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, आई होप वह क्वेरी एड्रेस हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।